हेलो स्टूडेंट्स मैं बिनमौर एक बार फिर स्वागत करता हूं अशोका अकेडमी के यूट्यूब चैनल बी एम क्लास में तो कल की क्लास में हमने 2022 जो परीक्षा आपकी हुई थी जवाहर नवोदय विद्यालय की उसके हमने क्वेश्चन नंबर मैथ्स वाले सेक्शन का क्वेश्चन नंबर हमने 48 तक कर लिए थे आज करने वाले हैं उससे आगे क्वेश्चन के लिए तो सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहे जो हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से लाइक का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि शाम को सात बजे यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम दो की तैयारी कराई जा रही है अरिहंत बुक का हम एक बार कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे लिंक आपके लिए दोनों का डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में हर प्ले का हर चैप्टर का आपके लिए मिल जाएगा वहां पर देखो एक तरफ से कवर करते हुए अब चल रहा है हमारा रिवीजन लेकिन कल हमने बच्चों की डिमांड पर 2022 जो परीक्षा हुई थी आपकी नवोदय की उसके हमने मैथ्स वाला सेक्शन है उसके लिए हमने कल स्टार्ट किया था और उसके हमने क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट तक कर लिए हैं ठीक है और जिन बच्चों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकता है व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसे भी कर सकता है क्योंकि आपका टेस्ट बैच जो भी होगा यहाँ पर यहीं पर ही प्रोवाइड किया जाता है पी के थ्रू टेलीग्राम पर और आशो का बैच को जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकता है सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो यहाँ पर मात्र इसका बारह सौ रुपये चार्ज है तो ये आपके लिए ये अशोका अकेडमी की तरफ से यहाँ पर ये बनाई गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए पी के फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी जो जो बच्चे इसको परचेज़ करते हैं उसके लिए ग्रुप में जो सीट है उसकी पी आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है और शाम को छः बजे इसकी क्लास चल रही है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए तो सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने लाइक का बटन नहीं दबाया है प्रेजेंट नहीं लगाई है तो अपने अपनी जल्दी से भाई प्रेजेंट लगा लेंगे तो कल के क्वेश्चन का हमने लेवल देखा था अच्छा खासा लेवल था जिसमें आठ क्वेश्चन हमने किए थे आठ में से छह क्वेश्चन ऐसे थे जो बिना प्रैक्टिस के आप कहो इसको कर लो तो ये पॉसिबल नहीं है अगर आपने नहीं देखी है तो कल की क्लास को आप जाकर देख सकते हैं तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन बनेंगे आप कहो कि भाई बहुत आसान क्वेश्चन आ जाए तो सात से आठ क्वेश्चन मानकर चलो कि जो क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं तो अपनी तैयारी को उचित तरह से भी बनाकर चलो ऐसा नहीं सरल क्वेश्चन कर लिए और कठिन क्वेश्चन को छोड़ दिया तो कठिन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है सरल क्वेश्चन तो सब बच्चे कर ही लेंगे चलो भाई तो क्वेश्चन नंबर हमारा है फोर्टी बहुत आसान क्वेश्चन है और फोर्टी एट तक हमने जो क्वेश्चन किए थे स्टार्टिंग के छह क्वेश्चन में अच्छे खासे क्वेश्चन थे लेवल अच्छा खासा था और अब हमारा जो है बोल सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कम होगा इस सेट में क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है इक्कीसो के अभाज्य गुणखंड हैं आपसे प्राइम फैक्टर्स पूछे गए हैं ट्वेंटी वन हंड्रेड के तो मैंने आपके लिए बताया है कि अगर आपसे अभाज्य गुणखंड पूछे जा रहे हैं तो किससे करना है आपको एलसीएम मेथड का यूज करना है तो एलसीएम मेथड का यूज करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो एकम दो जीरो दो पंजे दस जीरो दो से काटोगे दो पंजे दस दो दूनी चार और दो पंजे दस पांच से काटोगे पांच एकम पांच पांच पंजे पच्चीस ठीक है पांच से काटोगे पांच दून दस पांच से, से काटोगे तीन सत्तर इक्कीस अब यहां पर हमने क्वेश्चन ने जैसा कहा हमने वैसे कर लिया क्वेश्चन ने कहा कि इक्कीस के, के अभाज्य गोणखंड निकालो तो अभाज्य अभाजुखंड निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया है कि एलसीएम मेथड का यूज करना है लेकिन आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है क्वेश्चन ने कहा अभाज्य प्राइम फैक्टर होने चाहिए तो यहां पर हमने वही नंबर को लिया तो देख सकते हो कौन से नंबर थे प्राइम नंबर थे अभाज्य हाँ संख्याएं तो ये हम बोल सकते हैं यहां पर जो हमने संख्याएं निकल कर आई है जो फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो कैसे हैं प्राइम फैक्टर है तो ऑप्शन चेक करोगे इसमें तो आपका ऑप्शन कौन सा हो रहा होगा देखो टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू सेवन अब क्या है आपके लिए इस तरह का आपका नहीं है तो देखो ये नंबर रखे हैं इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है तो यहाँ पर बस ये बन जाएगा आप कहो ये आपका गलत है तो ये अभी सही है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पाँच गुणा सात गुणा सॉरी सात तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें बेटा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा बताओ आ गया समझ में अच्छा क्वेश्चन था तो ध्यान रखो इस साल भी आपका इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए हंड्रेड वन परसेंट मिलेगा इस बात की आप समझ लो कि गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं हंड्रेड बन परसेंट अगर आप पुराने पेपर सेट को उठाकर देखोगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है तो अच्छे से कर लो इसके लिए जिससे क्या है बारह से चौदह क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल यहाँ पर पढ़ाए हैं वो आने वाले हैं और फंसेंगे लगभग अठारह क्वेश्चन यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है लेकिन क्या है एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो बाहर से आएगा बस क्या है थोड़ा पैटर्न चेंज हो सकता है या बोल सकते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है भाषा जो है उसको चेंज हो सकती है आपको वो बिल्कुल एज इज रखा हुआ मिल जाए तो ये नहीं है लेकिन लास्ट ईयर क्या है दो से तीन क्वेश्चन ऐसे थे बिल्कुल सेम टू सेम छपे हुए क्वेश्चन थे जिन बच्चों ने यहाँ पर पढ़ा था उनके लिए पता होगा एक आपको कल मैंने क्वेश्चन कराया था कि बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है और घटोतरी हो जाती है इस तरह से वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल बैसा बैसा ही क्वेश्चन आया था बच्चों ने क्या किया आंसर रट लिया था और टिक कर दिया और बाकी उनको आता तो था ही चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी है एक कमरे की लंबाई पंद्रह मीटर इसके संपूर्ण फर्श का पंद्रह सेंटीमीटर और बारह सेंटीमीटर बीमा को सेवन हंड्रेड टाइलें लगती हैं तो कमरे की चौड़ाई बताओ अब इस क्वेश्चन में क्या है बिल्कुल भी कुछ नहीं है बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे क्वेश्चन किया किए भी हैं मैंने आपको एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो पार्ट जैसे मान लो कहा जाए एक कमरा है कमरे में टाइल्स कितनी बजा सकती है ईंटों की संख्या पूछ जाए टाइल्स की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है ऊपर बड़ा वाला पार्ट ऊपर रखना है और छोटा वाला पार्ट नीचे रखना है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा फेर है इस क्वेश्चन में अभी आप जब आप मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा तब आप कहोगे सर बिल्कुल ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन क्या है दिखने में आसान है तो क्वेश्चन को समझ के करो रटने का प्रयास ना करो देखो कमरे की लंबाई दर की है तो लिख लो भाई कमरे की लंबाई कितनी है बेटा पंद्रह मीटर दे रखी है इसके संपूर्ण फर्श पर पंद्रह सेंटीमीटर गुणा बारह सेंटीमीटर बिमाओं की सेवेंटी फाइव हंड्रेड टाइले लगती है अब यहां पर सबसे पहले कुछ नहीं करते हैं हम जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से हम एक यहां पर एक कमरा बना लेते हैं देखो भाई हमने क्या कर लिया कमरा बना लिया और क्वेश्चन ने कहा है कि इस ये कमरा है इस कमरे की जो लेंथ है जो लंबाई है हम आपको दे देते हैं कि इसकी लंबाई पंद्रह मीटर है ये आपको हम बता देते हैं सही है अब कह रहा है कि इसके संपूर्ण फर्श पर पंद्रह सेंटीमीटर गुणा बारह सेंटीमीटर बीमाओं की ये कमरा है आप जहां पर बैठे होगे जहां पर अभी क्लास को देख रहे हो तो आपके जो फर्श पड़ा होगा जिस जगह पर आपका क्या है कोई खड्डी कोई भी आपका जो चार पाई होती है उसका क्या है टच होगा फर्श जो पड़ा होगा उस पर अगर आप देखोगे उसकी लेंथ होगी या ब्रथ होगी उसकी लंबाई होगी या चौड़ाई होगी अगर मैं कहूं क्या उसकी ऊंचाई होगी तो बिल्कुल नहीं होती है आप देखोगे अभी देखो फर्श की क्या है ऊंचाई आपको नजर नहीं आएगी क्या दिखेगी एक लंबाई दिखेगी और दिखेगी चौड़ाई बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर जो फर्श है इस ये ये फर्श सही देखो पहले देख लो इधर ये क्या है फर्श है सही है अब इस फर्श में क्या करना है हमें बारह पंद्रह की जो टाइल्स है एक टाइल्स इस तरह की छोटी छोटी होती है बेटा आपके घर में लगी होंगी किसी किसी घर में नहीं भी लगी होंगी किसी में लगी भी होंगी तो इस तरह की जो टाइल्स है वो यहां पर बिछवानी है तो कहा गया है कि इसकी जो आपकी लंबाई दर की है पंद्रह दर की है और चौड़ाई क्या दर की है बेटा बारह दे रखी है इस लेंथ और इस बर्थ की इसमें इस कमरे में ये बिछवानी है तो कितनी टाइल्स हाँ सेवनटी फाइव हंड्रेड टाइल्स बिछ सकती है तो आपसे चौड़ाई पूछी गई है दोबारा से मैं एक बात को अपने रिपीट करता हूँ क्वेश्चन में कमरे की लंबाई दे रखी है और ये देख रखा है जो यहाँ पर टाइल्स है उसकी लेंथ दे रखी है और ब्रथ दे रखी है लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है और कहा गया है कि सेवनटी फाइव हंड्रेड इसमें टाइल्स लगाई जा सकती है तो इस कमरे की चौड़ाई बताओ तो देखो यहां पर इसे मैं साइड से लिख कर इरेज कर देता इसे इरेज करके इधर मैं लिख देता हूं ये देखो इस तरह से ये क्या है पंद्रह और बारह सही है ये क्या है आपकी टाइल है एक टाइल अब देखो कैसे करोगे तो आपको पता है एक आपको फार्मूला याद होगा जहां पर आपसे जिसकी संख्या निकलवाई जाती है टाइलों की संख्या टाइलों की संख्या क्या होती है जो यहाँ पर आप देख रहे हो कमरा ठीक है अब यहां पर मैं कहूं कमरे का क्षेत्रफल निकलेगा कमरे का क्या क्षेत्रफल निकलता है नहीं निकलता है आपको सिर्फ कमरे से मतलब नहीं आपके लिए जो फर्श रखी है उससे मतलब है क्योंकि हमें फर्श में बिछानी है तो कमरे की लंबाई क्या दरक्की है बेटा पंद्रह रखी है और चौड़ाई हमें पता नहीं है तो यहां पर हम कमरे का क्षेत्रफल लिख लेते हैं कमरे का क्षेत्रफल अपॉन अब क्या है टाइल्स का क्षेत्रफल टाइल का क्षेत्रफल देख लो अब इधर आ जाओ तो यहां पर टाइलों की संख्या बेटा आप देखोगे अब तक हमने क्वेश्चन किए थे तो हमने कैसे किए थे हमने किया था जो तो टाइलों की संख्या थी वो हमसे क्वेश्चन पूछता था और कमरे का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई रखी होती थी और टाइल की क्षेत्रफल मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखी होती थी तो हमें टाइलों की, की संख्या की संख्या इनकी संख्या पूछी जाती थी लेकिन क्वेश्चन ने इस बार कहा है आपका जो एग्जाम हुआ था जिन बच्चों का उनसे पूछा था कि भाई आपने इस तरह के तो क्वेश्चन करके आए हो तैयार करके आए हो कि टाइलों की संख्या आप निकाल लोगे ईटों की संख्या निकाल लोगे लेकिन अगर हम यहां से कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है कमरा अभी यहां पर देखो कमरा है कैसा फर्श फर्श का पूछा गया है बेटा ठीक है

ये टाइल दिख रही है इसकी लंबाई दे, दे देंगे और टाइल की चौड़ाई दे, दे देंगे लेकिन भाई ये निकाल कर बताओ कि कमरे की चौड़ाई क्या है अब आप देखोगे तो बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला बन गया मैंने बताया था जहां ईटों की संख्या पूछी जाए जहां पर आपके लिए टाइलों की संख्या पूछी जाए मतलब जिसकी संख्या पूछी जाए तो बड़ा वाला पार्ट कहाँ रहेगा ऊपर और छोटा वाला पार्ट कहाँ रहेगा नीचे रहता है तो मैं कहूं यहाँ पर ये टाइल इसमें बिछाई जा रही है फर्श पर तो फर्श बड़ा होगा टाइल बड़ी होगी तो कौन सा होगा फर्श बड़ा होगा फर्श बड़ा होगा इसका मतलब क्या है वो वाला पार्ट ऊपर रहेगा और ये टाइल रहेगी नीचे रहेगी तो इसी तरह से हमने फर्श का क्षेत्रफल निकाल लिया फर्श में क्या लंबाई चौड़ाई होती है तो यहां पर अब मैं कहूं लंबाई कितनी देर रखिए बेटा यहां पर आ जाओ पंद्रह दे रखी है सेवनटी फाइव हंड्रेड लिख लो पहले बराबर लंबाई कितनी दर रखिए पंद्रह और चौड़ाई बेटा आपसे पूछी गई है अपॉन लंबाई इनटू चौड़ाई लंबाई कितनी है फर्स्ट टाइल की पंद्रह इनटू बारह अब देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन में अगर आप दोबारा से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ने कहा है कि कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है पंद्रह मीटर है सुनते रहना ध्यान से कितनी है पंद्रह मीटर लेकिन जो टाइल्स की लेंथ है वो कितनी है पंद्रह सेंटीमीटर मतलब कमरे की जो लंबाई दे रखी है वो किसमें दे रखी है मीटर में और यहाँ पर टाइल्स की लंबाई किस्मत दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है टाइल्स की चौड़ाई दे रखी है सेंटीमीटर में दे रखी है तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पर टाइल वाला जो पार्ट है टाइल है, में लंबाई चौड़ाई दे रखी है वो में है सेंटीमीटर में लेकिन जो कमरे का जो फर्श है उसकी लंबाई दे रखी है भाई मीटर में दे रखी है तो मैं कहूँ इसके लिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या इसके लिए काट सकते हो डिवाइड कर सकते हो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये बात मैंने आपको बताई है जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक किसी भी कंडीशन में आप उसके लिए काट नहीं सकते हो तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा ये क्या है पंद्रह मीटर है हमें मीटर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में तो आप जानते हो कि एक मीटर में कितने होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं और पंद्रह में कितने हो जाएंगे ज्यादा ज्यादा के लिए क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहां से क्या आ जाएगा पंद्रह सेंटीमीटर आ गया देखो 1500 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1500 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई अपॉन में 15 सेंटीमीटर इंटू बारह सेंटीमीटर और 7500 अब देखो अब आप बहुत आसान क्वेश्चन है कैसे करोगे देखो इससे काटो कितना हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा हो जाएगा अब देखो यहाँ से 7500 फाइव हंड्रेड अपॉन वन बराबर हंड्रेड इंटू चौड़ाई अपॉन में क्या बचा वारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फिर आ जाओ इधर देखो अब यहां से यहां से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा सेवनटी फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व बराबर हंड्रेड हंड्रेड इंटू चौड़ाई हो रहा है अब देखो चौड़ाई को निकालना है इसका मतलब चौड़ाई को हमें एक साइड रखना पड़ेगा तो यहां पर चौड़ाई रख लो और बराबर सेवेंटी फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व अपऑन में क्या आ जाएगा हंड्रेड इससे से काटोगे तो चौड़ाई बेटा कितनी निकल कर आ जाएगी बारह पन्ज साठ बारह सत्तर चौरासी और छः नब्बे तो ये बताओ किस में निकल कर आया यहाँ पर जो चौड़ाई निकल कर आई है ये मीटर में आई है या सेंटीमीटर में आई है तो बहुत सारे बच्चों को यही बात समझ में नहीं आ रही होगी कि जो चौड़ाई है वो किस में निकल कर आई है नहीं समझ में आ रहा मीटर में आइए सेंटीमीटर में आइए तो अभी भी हमने क्या क्या किया है इस वाले पार्ट को सेंटीमीटर में चेंज किया था सही है तो ये भी चौड़ाई भी किस में निकल कर आएगी सेंटीमीटर में निकल कर आएगी और अगर आपको ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसमें मीटर में है सेंटीमीटर में है तो आपको एक बार ऑप्शन को देख लेना है तो आप देखोगे ऑप्शन क्या है मीटर में दे रखे हैं तो ये कितना आ रहा है बेटा नाइन हंड्रेड आ रहा है नाइन हंड्रेड आपका किसी में ऑप्शन है ही नहीं और हमने चौड़ाई बिल्कुल सही निकाली है तो यहां से ये क्या है सेंटीमीटर है और इसे हमें किसमत चेंज करना पड़ेगा मीटर में तो यहाँ से हमें करना पड़ेगा बेटा सौ से भाग करना पड़ेगा सौ नेम नौ सौ तो चौड़ाई क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से नौ मीटर ठीक है एक बार नीचे चेक कर लेते हैं सही है बिल्कुल क्या आ जाएगा नौ मीटर बताओ आगे समझ में तो क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं था बस क्या है ठीक से पढ़ना है क्वेश्चन के लिए और करना है अगर आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं जिसमें क्या है क्वेश्चन कहता है कि एक कमरे की लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब कमरे की लंबाई दर की है चौड़ाई दर की है और आपसे कहा जाएगा कि उस कमरे में हमें टाइल्स बिछवानी है जिसकी लंबाई पंद्रह मीटर है या पंद्रह सेंटीमीटर है बारह सेंटीमीटर है तो टाइल्सों की संख्या बताओ मतलब ये वाला पार्ट आपसे पूछा था अब तक लेकिन इस बार क्या किया है उसने ये वाला पार्ट दे रखा है और इसमें से क्या है चौड़ाई आपसे पूछ ली है तो बिल्कुल वैसा ही अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो उसी तरह से क्वेश्चन होगा और आसानी से कर लोगे ठीक है चलो अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 51. बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो कोई समस्या हो भी तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जिस सर इस जगह समस्या हो रही है नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन आपके लिए दे दिया जाएगा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है जुकाम और का है भी सही नहीं हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है अब ये क्वेश्चन इतना आसान था लेकिन क्या इसको बहुत ज्यादा घुमा दिया गया था अगर ठीक से रीड करोगे तो क्वेश्चन ने कहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ऑप्शन लिख लेते हैं एक एट्टी नाइन बी ऑप्शन नाइन्टी सी ऑप्शन है 91 वन और डी ऑप्शन है 99. नाइन तो यहां पर आप देखोगे तो क्वेश्चन ने कहा है कि दो अंकों वाली तो सबसे पहले हमने ऑप्शन में देखा कि सभी ऑप्शन कितने हो रहे हैं भैया दो डिजिट हो रहा है टू डिजिट नंबर हो रहा है दो अंकों की संख्या हो रही है तो यहां से हम ये तो पता नहीं लगा लगा सकते कि कौन सा इसमें अभी होगा दो अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं प्राकृत का मतलब हो गया प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हम दो तरीके समझेंगे प्ले सुनते रहो ध्यान से कौन सी होती है नाइनटी नाइन दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है नाइनटी नाइन मैं कहूं यहां पर ये हंड्रेड क्यों नहीं हुआ तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये थ्री डी नंबर हो रहा है तीन अंकों की संख्या हो रही है तो आपने सर हमसे पूछा है कि दो अंकों की क्यों चाहिए तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है निन्यानबे नाइनटी नाइन तो क्वेश्चन ने कहा है कि दो अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है तो आप जानते हो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स हमने जब चैप्टर नंबर वन पढ़ा था नंबर सिस्टम तो आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं मतलब तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं गिनती वाली संख्या होती है बचपन में सबसे पहले जो चीज सीखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये क्या है सभी नेचुरल नंबर है तो कहा गया है दो अंकों वाली संख्याओं की संख्या है तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं एक से लेकर निन्यानबे तक वन से लेकर नाइन्टी नाइन तक आपको नंबर ढूंढना है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हो रही हैं तो देखो यहां एक से लेकर अगर हम बात करें तो नाइन तक कितनी होंगी बेटा एक से लेकर नाइन तक कितनी संख्याएं होंगी मैं कहूं ये कैसा नंबर है तो आप कहोगे सर ये वन डिजिट नंबर है एक अंक की संख्या है क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्या बताओ दो अंकों की प्राकृतिक संख्या बताओ दो अंकों की होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए तो यहां पर देखो प्राकृतिक संख्या तो ये भी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो क्वेश्चन ने अभी क्या कहा था कि दो अंकों की होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए तो ये क्या दो अंकों की है बिल्कुल नहीं है ये कैसा है वन डिजिट नंबर है मतलब ये आपका एक अंक की संख्या है दो अंकों की होनी चाहिए और प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए तो इसका मतलब हम यहाँ से कहें कि इलेवन एक दो अंक की संख्या है तो आप कहोगे सर बिल्कुल है सर टू डिजिट नंबर है मैं कहूँ प्राकृतिक संख्या है तो आप कहोगे सर आपने बताया है काउंटिंग नंबर्स जो गिनती वाली संख्या होती है वो कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या होती है तो सर बिल्कुल ये है तो मैं कहूँ यहाँ पर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन क्या ये होंगे तो आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे होंगे नहीं होंगे तो इसी तरह से ग्यारह से लेकर 99 तक जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे प्राकृत संख्याएं होंगी नेचुरल नंबर होंगे होंगे तो यही संख्या पूछी गई है कि 99 दो अंकों की प्राकृतिक संख्याएं जो है उनकी संख्या पूछी गई है कि कितनी संख्याएं हैं जैसे हम कहें कि यहाँ पर एक अंक की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है तो आप क्या करोगे इन्हें काउंट कर लोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो ये संख्याएं भी हो रही हैं और एक अंक की भी हो रही है तो ये आपसे पूछा गया है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं तो हमने बोला कि एक अंक की नौ संख्याएं हो रही है तो इसी तरह से आपसे पूछा गया है कि दो अंक की संख्याएं हैं तो उनकी हमें गिनती बतानी है कि टोटल कितनी है नहीं बात समझ में आई तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप यहां पर देखो एक से लेकर नाइनटी नाइन दो तरीके हैं आप करने के यहां से देखो टेन से यहाँ पर टेन भी रह गया बेटा ठीक है टेन से देखोगे पहले एक से देखो नाइन्टी नाइन तक एक से लेकर नाइन्टी नाइन तक कितनी संख्या हो रही है नाइन्टी नाइन संख्या हो रही है जिसमें से हमें जो वन डिजिट नंबर है एक अंक की संख्या है वो घटानी पड़ेगी क्यों घटानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन क्यों ने कहा है कि दो अंक की हमें चाहिए सिर्फ तो यहाँ पर एक से लेकर हमें नाइन तक संख्याएं जो है वो माइनस करनी पड़ेंगी तो कितनी संख्याएँ बच जाएंगी एक से लेकर नाइन तक कितनी संख्याएं है बेटा नौ संख्याएं है तो नौ संख्याएं माइनस कर दो कितनी बचेंगी नाइन्टी तो नाइन्टी नंबर्स ऐसे होंगे जो आपके टू डिजिट नंबर होंगे नेचुरल नंबर होंगे प्राकृतिक दो अंकों की संख्याओं की संख्या होगी तो नाइन्टी नंबर से ऑप्शन को चेक करोगे तो कौन सा आ जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सही है आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन अगर सीधे भाषा में पूछा जाए तो कैसे पूछता है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं हमने किए थे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन किए चैप्टर वन में भी किया था अभी कल परसों तरसों किया है क्वेश्चन कि पांच अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो क्या करते थे हम पांच अंकों की यहाँ पर संख्या लिखी और उसमें से चार अंकों की संख्या हमने माइनस कर दी हमसे पूछा जाए कि चार अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई सकती है तो चार अंकों की संख्या लिखी चार में से तीन अंकों की माइनस कर दी तो यह आसान तरीका था बस क्या है इसी को घुमा पूछ लीजिएगा तब क्या है भाई फंस गए हम लोग हमारे नहीं आया तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है तब बोल रहा समझ के क्या करो क्वेश्चन को क्वेश्चन को जितनी ज्यादा बार रीड करोगे कौन सा था बेटा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो रहा था चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू फिफ्टी टू देखो एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी एक संख्या से कोई एक संख्या है ऑप्शन लिख लेते हैं पहले दो से पांच से आठ से नौ से देखो क्वेश्चन ने कहा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल कोई एक संख्या ऐसी है अगर उसके अंकों का योगफल मान लो एक संख्या मैंने यहाँ पर दो ले ली और एक ले ली चार सुनते रहे ना? मैंने एक संख्या चार ले दो ले ली एक चार मतलब ये संख्या ली ट्वेंटी फोर क्वेश्चन ने कहा है कि वो संख्या बताओ अगर हम इनके जो अंक हैं इनका योग कर दें कितना हो रहा है छे और इसी संख्या से माइनस कर दे तो कितना आ रहा है बेटा यहाँ से अठारह तो इनमें से किससे विभाजित हो जाएगी दोबारा से मैं रिपीट करता हूं अपनी बात के लिए क्वेश्चन ने कहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है कोई संख्या वो आपको बतानी है ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसके हम अंकों का योग कर दें एक अंक ये उठाया एक अंक ये उठाया अंकों का योग कर दें और उस संख्या से घटाएं तो किस संख्या से विभाजित हो जाएगी बात समझ में आई नहीं आई मेरी बात दोबारा से रीड कर लो नहीं समझ में आ रहा है तो एक संख्या से उसके अंकों का योगफल एक संख्या से उसके अंकों का योगफल योगफल घटा दिया जाता है उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है एक संख्या से उसके अंकों का योगफल जो है वो घटा दिया जाता है तो इनमें से किससे विभाजित हो जाएगी देखो अब आसान है क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत आसान है मैंने कोई संख्या ले ली टेन ले मान लो इलेवन मैन ले ली मैंने इसके अंकों का योग कर दिया कितना आया दो और उस संख्या से मैंने इसके अंकों का योग माइनस कर दिया कितना आया नौ अब आप देख लो जो अंकों का योग करने के बाद जो घटाया है वो इसमें से किससे डिवाइड है बताओ दो से क्या कट जाएगा ये नहीं कटेगा पाँच से कट जाएगा नहीं कटेगा आठ से कट जाएगा नहीं कटेगा किससे कट जाएगा नाइन से कट जाएगा सही है चलो चेक करके देख लेते हैं एक और ले लेते हैं नंबर तीन और चार ले लिया मैंने इसके अंकों का योग कर लो कितना हो रहा है सात हो रहा है अब इससे माइनस कर दो थर्टी फोर माइनस सेवन कितना हो जाएगा सत्ताइस देख लो क्या नाइन से डिवाइड हो रहा है क्या बिल्कुल हो रहा है कोई भी संख्या आप उठाकर देख लो और उनके अंकों का योग जो है उस संख्या से माइनस कर दो तो हर कंडीशन में आपका नौ से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा कोई भी संख्या उठा लो उसके अंकों का योग उस संख्या से घटाओगे तो हंड्रेड वन परसेंट आपका नाइन उसको डिवाइड कर देगा सही है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें क्या है डी वाला बिल्कुल सही हो रहा है आगे समझ में जल्दी से बताओ भाई तो देखो क्वेश्चन क्या है आसान थे बस क्या है क्वेश्चन की जो भाषा है उसको वही अजीब अजीब और गरीब तरीके से पूछ लिया गया है क्वेश्चन आसान होंगे बस क्या है घुमा लिया जाएगा क्वेश्चन के लिए चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री सेवन प्लस टू इंटू फाइव प्लस इलेवन प्लस टू इंटू थर्टीन आपसे पूछा गया है इसको सॉल्व करने के बाद कौन सा रिजल्ट निकल कर आएगा तो कर लो भाई बोर्ड मास रूल कहता है अगर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो भाई सॉल्व कर लो इसे सेवन प्लस पाँच दूनी दस हो जाएगा प्लस इलेवन प्लस तेरह दूनी कितना हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा हो जाएगा अब जोड़ लो छब्बीस और दस छत्तीस छत्तीस और दस छियालीस और छियालीस एक सैतालीस सैतालीस और सात चौवन चौवन और यहाँ पर ब्रैकेट हटेगी तो कितना हो जाएगा चौवन बटे थर्टीन थर्टीन नहीं हो रहा है कहीं मिस्टेक हो गई क्या बन पाओ थर्टीन प्लस प्लस टू इंटू फिफ्टी फाइव फाइव प्लस टू इंटू है छब्बीस हो गया यहां से दस हो गया यहाँ से 10 हो गया यहाँ से छब्बीस और दस छत्तीस छत्तीस और एक सैतीस सैतीस और दस सैतालीस सैतालीस और सात चौवन ये तो बिल्कुल सही हो रहा है बेटा कहीं भाग का साइन लगा हुआ नहीं कहीं पर सात प्लस दो इंटू पांच यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है बेटा देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है ये तो तभी मिस्टेक हो रही है देखो तो यहां से सेवन प्लस ग्यारह पंजे पचपन और धूनी कितना हो जाएगा एक सौ दस प्लस छब्बीस एक बटे तेरा यहां से आप करोगे तो कितना आ जाएगा सात और छः तेरह दो और एक तीन और एक चार और यहाँ से आपका एक अब देख लो तो एक बटे तेरह इंटू एक सौ तेतालीस तेरह कम तेरह तेरह कम तेरह कितना आ जाएगा बेटा ग्यारह ऑप्शन चेक करोगे सी वाला बिल्कुल सही हो रहा है अब क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर ये, ये आज क्वेश्चन क्या है बहुत आसान है पॉइंट को क्या करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और पॉइंट के बाद वाली डिजिट बाद में लिखनी है पॉइंट से पहले वाली डिजिट पहले लिखनी है उसके बाद में आपको ऐड कर देना है आसान क्वेश्चन है हर साल आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा 2023 में भी मिलेगा और पहले भी मिल चुका है हर साल मिलता ही मिलता है आप देख सकते हैं चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर है आपका फिफ्टी बताओ देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव बताओ देखो जीरो पॉइंट सेवन टू फाइव जीरो है देखो कहा गया है कि सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा तो पॉइंट हटाओगे अपॉन में क्या कर लोगे एक दो तीन चार कर लोगे पच्चीस से काटोगे पच्चीस दूनी पचास पच्चीस नेमा दो सौ पच्चीस पच्चीस चौक सौ यहाँ से आ जाएगा सही है पच्चीस दूनी पचास बिल्कुल सही है यहाँ से तो यहाँ से उन्तीस बटे के आ गया बेटा चार सौ आ गया क्या आपका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल आ रहा है तो चेक करोगे इसमें क्या है बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56 पर क्वेश्चन नंबर 56 तथा 75 का लघुत्तम समाप्त बता, बताना है आपके लिए एलसीएम पूछा गया है तो 25, 45 और 75 कर लो पांच पंजे पच्चीस पांच एकम पैंतालीस और पांच पंद्रह हो जाएगा यहाँ से 5 एकम हो जाएगा यहां से 5 तिया हो जाएगा तीन से काटोगे तो तीन तिया नौ तीन एकम तीन अब कर लो भाई पांच गुणा पांच गुणा तीन गुणा तीन गुणा एक बराबर कर लो पांच पंजे पच्चीस तीन पचहत्तर पचहत्तर तीन तीन पंद्रह तीन इक्कीस और एक बाईस दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस देखो ऑप्शन नंबर क्या है डी वाला बिल्कुल सही हो रहा है तो आपका एलसीएम <coughs> मतलब लासा मासा से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह का बहुत सिंपल आपसे एल्शियम निकलवाएगा तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका आएगा लगभग बारह क्वेश्चन बारह से तेरह क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक ही 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 पैटर्न पर हर साल बनते ही बनते हैं और उस चैप्टर से आता ही आता है जैसे कि आज की क्लास में हमने किए हैं तो लगभग इस तरह का हर क्वेश्चन आपके लिए हर साल देखने के लिए मिल जाएगा अब देखो कहा गया कि चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्या यहां बात समझ में आ रही है तो सबसे पहले चार अंकों की छोटी संख्या लिख लो लिख ली कहा गया है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल तो सबसे पहले आपको नहीं समझ कि में किस तरह से करना है चेंज करना है तो आप अपने ऑप्शन को देख लो कि आपका ऑप्शन जो है वो किस तरह दे रखा है तो आप ऑप्शन को देखोगे तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे अभी भी हमने क्वेश्चन किया था कि जब इस तरह का ऑप्शन दे रखा हो तो हम कैसे करते किसी भी नंबर को किस तरह से ब्रेक करते हैं याद आ रहा है कैसे करते हैं एलसी मेथड से करते हैं और सबसे पहली बात तो ये है पहली कंडीशन दे रखी है कि चार अंकों की होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए अभी क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर हमारा था फोर्टी नाइन इसमें कहा गया था कि इक्कीसों के अभाज्य गुणनखंड है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ये है उसने डायरेक्टली नहीं कहा है कि आपसे कि एक हजार के अभाज्य गोलनखंड है जैसे उसने कह दिया था इक्कीस उसने कहा कि चार अंकों की छोटी छोटी संख्या तो हमने लिख ली और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल तो यहां पर सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो यहां से क्या हो जाएगा दो ढाई सौ दो एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस पांच से काटोगे पांच पांच पे पच्चीस पांच पंजे पच्चीस तो यहां से देखोगे आप तो ये देखो अभी अभी हमने किया था क्वेश्चन ने कहा था कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में तो क्या ये गुणनफल नहीं है गुणा में है इसका मतलब क्या है गुणनफल में है इट्स मीस ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें इक्कीस सौ सॉरी मैं फोर्टी नाइन देख रहा हूं इसमें ऑप्शन है आपका सी वाला देखो है आसान क्वेश्चन क्या था छोटा था लेकिन क्या है भाई जबरदस्ती में क्या है इसको घुमा दिया गया लैंग्वेज को देकर भाषा को इसमें देकर चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ फिफ्टी एट पर क्वेश्चन एट है यदि बहत्तर का तथा एक सौ अस्सी का महत्तम तक छियालीस छत्तीस है तो लघुत्तम बताओ क्वेश्चन ने कहा है कि इन दो संख्याओं का अगर हम मासा निकालते हैं एच निकालते हैं तो छत्तीस आ रहा है तो इन्हीं संख्याओं का लासा बताओ निकाल लो भाई यहां से दो से काटोगे तो छत्तीस आ, आ जाएगा दो से काटोगे तो अठारह और दो से काटोगे तो जाएगा, तीन से काटोगे तीन दूनी छ तीन पंजे पंद्रह आ जाएगा, और जाएगा दो दूनी चार तीन बारह तीन छत्तीस छत्तीस दूनी बहत्तर और बहत्तर पंजे पांच दूनी दस पांच सत्तर पैंतीस और एक कितना हो जाएगा छत्तीस तीन सौ साठ देख लो आ रहा है बी वाला ऑप्शन तो इन संख्याओं का एच सी एफ दे रखा था और हमसे पूछा गया था कि इन्हीं संख्याओं का मासा निकालकर बताओ सॉरी इसका लासा बताओ एल्सियम बताओ तो क्या है हमने निकाल दिया तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसमें ऑप्शन नंबर क्या है बी वाला बहुत बी वाला जो है बिल्कुल सही है चलो बढ़ लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से है आपका फिट, टू होल बन बाई से थर्टी थ्री सत्रह दूनी चौतीस और एक क्या पैंतीस आपके सामने जब भी मिक्स फ्रैक्शन नंबर रखा हो उसको सिंपल फ्रैक्शन में तुरंत चेंज कर लो तैतीस से कम तैतीस कितना हो जाएगा चौतीस बटे तैतीस तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन में नंबर दे रखे हैं इसके बीच में आपका क्या है मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है और डिवाइड का साइन दे रखा है तो सबसे पहले कौन सा होगा डिवाइड वाला पहले होगा अब डिवाइड वाला करोगे कैसे डिवाइड वाले को हमें करना पड़ता है गुणा में चेंज जैसे ही इसको गुणा में चेंज करोगे तो ये वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है उल्टी हो जाएगी हो गई तो यहां से थर्टी थ्री अब कर लो भाई सिंप्लीफाई इसके लिए सात पंजे पैंतीस हो जाएगा सही है सत्रह से काटो सत्रह क्योंकि सत्रह सत्रह धुनी चौंतीस हो जाएगा बिल्कुल सही है दस पंजे पचास और धूनी सौ तो इसका मतलब आप क्या आ रहा है बेटा ऊपर से सौ आ रहा है नीचे से क्या आ रहा है तैतीस आ रहा है अब तैतीस दिया निन्यानबे और एक सही तीन सही एक बटे तैतीस तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है ए बिल्कुल सही है चलो आ गया समझ में सभी के एक बार जल्दी से थम्सअप करके सभी बच्चे बता देंगे सर बिल्कुल समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो इसमें क्या की है चाल की है जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं जिनको पता नहीं है कि चाल स्पीड टाइम ये क्या है कहाँ से आ गया तो चैप्टर है टाइम स्पीड डिस्टेंस हमने कर रखा है उसे आप जाओ प्लेस में चेक करो टाइम स्पीड डिस्टेंस वहाँ पर सारी वीडियो को देख डालो सारे समझ में आ जाएंगे ये क्या है आपका हर तरह के हर चैप्टर से क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में रखा हुआ मिलता है सही है फिर देखना है इसके लिए तो कितना है बहत्तर किलोमीटर पर हॉबर ये हमने पहचान करना सब बताया है कैसे पहचानना है एक रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है ये और कहा गया है कि दो बज के पंद्रह बजे बह चलती है तो उसका जो समय है दो बज के पंद्रह पीएम पर चलना स्टार्ट किया जैसे मान लो आप अपने स्कूल के लिए जाते होगे तो एक टाइम होता होगा घर से आप निकलते होगे गए सात बजे निकले या साढ़े छः बजे निकले या कोचिंग के लिए आप तीन बजे जाते होगे तो एक टाइम होता होगा अपने घर से निकले कोई टीचर ने आपसे कहा बेटा कितने टाइम घर से निकले थे तो आप कहोगे सर तार्थ तीन बजे निकला, निकला था मैं घर से या साढ़े तीन बजे निकला था टाइम होता है एक तो इसी तरह से एक जो तो ट्रेन थी वो दो बज के पंद्रह बजे चलना प्रारंभ किया और बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और नब्बे किलोमीटर की दूरी दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंच जाएगी मतलब दूरी रखी की <coughs> अब आपसे पूछा गया है समय तो समय बराबर क्या होता है दूरी वटे चाल होता है चाल कितनी है बहत्तर है कर लो भाई अठारह पंजे नब्बे अठारह चौक बहत्तर तो यहाँ से जो समय निकल कर आ गया पाँच बटे चार घंटे निकल कर आ गया पाँच बटे चार घंटा निकल कर आ गया अब क्वेश्चन ने कहा है कि दो बजकर पंद्रह मिनट पर वह चलना प्रारंभ किया और वह नब्बे किलोमीटर दूर जाकर एक स्टेशन है वहाँ पर कितने बजे पहुँच गई फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर घर से तीन बजे चले और अपनी कोचिंग में तीन बज के पंद्रह मिनट तक आ गए तीन बजे आपने चलना प्रारंभ किया और पंद्रह मिनट में क्या है आप कोचिंग पहुंच गए तो कितना टाइम में पहुंचोगे तीन बज के पंद्रह मिनट में मतलब आपने पंद्रह मिनट लिए हैं कोचिंग जाने में या आप सुबह स्कूल सात बजे चलना प्रारंभ किया घर से और आप सात बज के तीस मिनट पर सॉरी तीस मिनट आपने क्या किया भाई चले रास्ते में आपको लग गए तो आप पहुंच गए सात बजकर तीस मिनट पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे इसका मतलब हमें इस वाले टाइम में इसको ऐड करना पड़ेगा वो स्टे वो ट्रेन सात दो बज के पंद्रह मिनट पर चली और नब्बे किलोमीटर चलने के बाद में उसने कितना टाइम लिया पाँच बट्टे चार घंटा तो यहां पर हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा जैसे हमने सात में तीस मिनट को जोड़ा तभी तो आया सात तीस हमने तीन में पंद्रह मिनट को जोड़ा तभी तो आया तीन पंद्रह मिनट तो इसी तरह से हमें ये घंटा वाला पार्ट है ये क्या है इसमें जोड़ना पड़ेगा तो हमें हम इसमें चेंज करना पड़ेगा चार एकम चार सही है घंटे में मिनट में चेंज करना पड़ेगा और एक बटे चार अब यहाँ पर ये पूरा एक घंटा बन गया और ये क्या है बेटा आपका ये भी घंटा है तो एक घंटा इसको हम चेंज करेंगे मिनट में तो एक बटे चार इंटू साठ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पंद्रह तो हम कह सकते हैं कि उस ट्रेन ने एक घंटा पंद्रह मिनट का टाइम लिया कितना एक घंटा पंद्रह मिनट का टाइम लिया देखो आज समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन को हम कल समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है टाइम ओवर हो रहा है इस वजह से थोड़ा सा हम जल्दी कर लेते हैं तो एक घंटा पंद्रह मिनट लिया उसने नब्बे किलोमीटर दूरी को चलने में आप अपने घर से कोचिंग तक आए तो जो बीच में आपने जो चले हो तो आपने कितना टाइम लिया था पंद्रह मिनट आधा घंटा ऐसी ट्रेन ने जहाँ से चली थी दूसरे स्टेशन तक पहुँचने में एक घंटा पंद्रह मिनट का समय लिया है तो वह कितना टाइम लेगी दो बज के पंद्रह मिनट पर चली थी और एक घंटा पंद्रह मिनट उसने और ले लिया तो कितना हो गया तीन घंटा तीस मिनट तो हम कह सकते हैं वह ट्रेन तीन बजकर तीस पीएम पर पहुंच जाएगी मतलब दोपहर के बाद बताओ हो गया समझ में आ गया क्लियर हुआ जल्दी से एक बार थम्सअप कर देंगे सभी बच्चे सर बिल्कुल क्लियर है कोई डाउट कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा आपके लिए इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा तो इसी के साथ हमारा दो दो हजार बाईस एंट्रेंस एग्जाम दो हजार तेईस में जो आपका मैथ्स वाला पार्ट पूछा गया था वो आज हमने पूरा कवर कर लिया है तो इसी तरह से आपको तैयारी करनी है आप देखना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है क्वेश्चन किस तरह से पूछ जा रहा है कौन से चैप्टर से कैसा पूछ जा रहा है तो किसी भी चीज़ को कोई भी चैप्टर को आप हल्के में ना लें मजाक ना समझे कि अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन आठ से सात आठ क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हो सकता है इस साल इससे भी कटना जाए हो सकता है फिर से घुमा के पूछ ले क्वेश्चन इजी होंगे सरल होंगे बस घुमा कर पूछ लिया जाएगा उसी में आप फंस जाओगे जिन बच्चों ने पढ़ा पढ़ा होगा होगा समझ के घुमा तो तो दिया जाएगा रास्ता चेंज कर दिया जाएगा बात क्लियर हो रही है चलिए आई होप क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन जल्दी से बच्चे दबा देंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि शाम को सात बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम दो हज़ार तेज के लिए एक बार हमने अरिहंत बुक का पूरा सॉल्यूशन कर चुके हैं और अरिहंत का हमारा दोबारा से रिविजन चल रहा है चलिए आज की क्लास में ही करते हैं बाकी मिलते हैं नई क्लास आपने नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर थ्री के आगे क्वेश्चन के लिए कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड गुड नाइट